सोनू टेक कैसेट। चाय दे दे। पहले इसे तो ठालो अपनी लाडली को, फिर ये उठेगी तो तुम इसकी गैल मांगोगे। इसे भी ठालो, दोनों की गैल घाल दूंगी। सोफी बेटी उठ जा। सोफी देख तड़की होली, अजान लगू भी कितनी देर होली, तू उठ जा तो हमें भी चाय मिल जा। अबू के तुम तो सोन भी ना देते, इतनी बढ़िया नींद आ रही थी। बेटी अब सोन का टाइम ना है। होगी तेरी तड़की, ये ना उठती या? अबू देखो ना अम्मी कैसे डरा रही है। बेटी यू डराना रही, इब तू बड़ी होगी तावड़ी उठे कर, घर का काम करा कर। अरे इस बकरी को भी लेती जा। या खुदा इस बच्ची को भी अकल दे। Oh,
लावे कर के इशारा है कहां वो दिल का प्यारा, मुझे बुलावे कर के इशारा, पर ढूंढ रही हूँ जाने किसको बन कर जल मुर्गाई, हाँ ढूंढ रही हूँ जाने किसको बन कर जल मुर्गाई, कैसी ये जवानी आई ले बदन मेरा अंगड़ाई, कैसी ये जवानी आई ले बदन मेरा जाना है तो जा, पर मैं देखे बगैर नहीं जाऊंगी, मैं तो दूर से ही देखूंगी। हाय अल्लाह, ये किसका जनाजा है? ये मैंने क्या कर दिया? ये अल्लाह मुझे माफ करना। छमिया जल्दी आयो। या मेरे मौला, ये तो जिंदा है। अब्बू, हाँ अब्बू इसे जरूर ठीक कर देंगे, कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे। या अल्लाह रहम कर, मैं क्या करूँ? नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। किसी को बचाना कोई गुनाह नहीं, खुदा की नजर में इससे नेक काम कोई नहीं। इस पाक काम को मैं जरूर करूँगी। छमिया तू यहाँ बैठ, मैं अब्बू को बुला के लेकर आती हूँ। आहिस्ता चल, वो कहीं भाग के ना जावे। आओ अबू देखो बुरा। या अल्लाह तेरी कैसी कुदरत, न जाने किसके जिगर का टुकड़ा होगा। की होया अबू, बच जाएगा ना? बेटी खुदा की मर्जी, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
पहले इन्हें घर ले चले, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। या अल्लाह, ये किसे ले आए, क्या हुआ इसे? तू जल्दी जमीन पे कपड़ा बिछा। कौन है ये, क्या हुआ इसे? तू थोड़ा पानी गर्म कर जल्दी। सोफी, तू जड़ी बूटी ला। जी अब्बू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अबू, इसे होश कब तक आ जाएगा? अभी तो जहर लिकड़ा है, होश भी आ जाएगा। बेटी, खुदा बड़ा कारसाज है, वो चाहे तो सहरा में फूल खिल जाएं, मरते को जिंदगी बख्शते, उसकी रहमत पर दोनों जहां टिके हैं। चल सोफिया, नदी में नहाते हैं। नहीं जमिया, मेरा जी ना कर रहा, जा तू नहा ले। चलना, तेरे जी की मैं खूब जानू। ऐसा ना कह जमिया, सच्ची आज मेरा जी ना कर रहा। अच्छा जी, आज तो जनाब गहरी सोच में है, ऐसा क्या हुआ, सब खैरियत तो है? ऐसे बन रही है जैसे कुछ जानती ही ना हूँ। मैं क्या जानू तेरे दिल का हाल, पता नहीं तेरे मन में कौन सा बम फूट रहा है। मुझे डर सा लग रहा है, कहीं ना। सोफी ना, खुदा इतना बेरहम नहीं हो सकता, उसे जल्द ही होश आ जाएगा। खुदा इम्तिहान तो लेता ही है, अल्लाह पर भरोसा रख, तेरी दुआ जरूर कबूल होगी। आज पूरे दो दिन हो गए, मुझे तो डर सा लगा रहता है, अल्लाह जाने क्या होगा। रे दोनों रोज नदी पे बैठ जाओ, कभी कदार इधर भी नजर गिर लिया करो। मुँह देखा है, इस जंगली कुत्ता आ रहा हूँ। खैर, चांद तो थारे ही चेहरे पे खिल रहा है, खुदा कसम जवानी इंतजार में कटती जा रही है। अभी तो इंतजार में बुढ़ापा भी काटना है। जब अपना माल मौजूद है तो जवानी इंतजार में क्यों कटेगी? माल होगी तेरी अम्मा तेरी बहन। के करे, तुम्हें देख के तो इस जालिम दिल पे काबू न रहता। खुदा से डरो नवाब अलमिया। खुदा नहीं, हमें तो बस तू ही नजर आवे। तुम जैसे शैतानों को तो अल्लाह दोजख में भी जगह नहीं देगा। ए जमिया, कसम काले नाक की, इस नागन को तो एक दिन में काबू में करके छोड़ूंगा। बच के रहना, अगर इस नागन ने डस लिया तो पानी भी ना मांगने का। नागन भी तो डसने से पहले लिपटेगी, खुदा कसम एक बार तो लिपट जा। तेरी मौत जरूर मेरे हाथ से लिखी है। चल सोफी, इनके मुँह क्या लगना। चली जा, एक दिन तो मेरे ही दौरे आना है। अम्मी, अबू, अम्मी, अबू देखो इसे होश आ गया, देखो अम्मी। अल्लाह, तू बड़ा कारसाज है, तूने मुझसे ये नेक काम कराकर
मुझे मेरी नमाज का सिला दे दिया। परवरदिगार कौन कहता है तू नहीं है, तू तो हर बंदे के साथ है। खुदा ने हमारी लाज रख ली। सोफी बेटी पानी ला, नमक घोल के लाइयो। जी अबू। अबू पानी। बेटा कैसा लग रहा है, कहीं दर्द तो नहीं? बेटा कौन हो तुम, तेरा नाम क्या है? खुदा रहम कर अपने बंदों पर, इसे जिंदगी दी है तो होश भी दे दे। अब्बा क्या होया बताओ ना अब्बा। लगता है बेटी इसकी याददाश्त चली गई। क्या अबू? हाँ बेटी, सांप बड़ा ही जहरीला था और कई दिन में जाकर तो इसे अब होश आया है। खुदा का शुक्र है ये तुझे वक्त पर मिल गया। उसके सामने किसी की नहीं चलती, होता वही है जो उसे मंजूर है। ठीक कहती हो सबाना, जब उसने जान बख्शी है तो वह आगे भी सब ठीक करेगा। अबू मैं झमिया को जाकर बता कर आती हूँ। देखा अबू यू के कह रहा है कि यू बिल्कुल थारे जैसा लग रहा है। ये अबू हैं। अबू अबू अबू। हाँ अम्मी अम्मी। हाँ अब्बू अम्मी। हाँ अब समझ गया। बेटी अब खुद को भी तो बताओ। नहीं अब्बा आप ही बताओ। यू तेरी बात समझे तू ही बता। मैं सोफिया। मैं सोफिया। नहीं बस सोफिया। बस सोफिया। या अल्लाह या अल्लाह। चुप बस चुप चुप बस चुप। अबू देखो ना। बेटी तुझे समझाना नहीं आया, जरा प्यार से समझाओ ना। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अबू आप ही बताओ ना। सोफिया। सोफिया। हाँ अब्बू सोफिया अम्मी। अब क्या हुआ बेटा? बेटी तू ही बता इसे ये कौन है। अब्बू अब इसे क्या कहें? पता ना पहले इसका क्या नाम होगा। कुछ भी हो अल्लाह ने इसकी मदद की है, इसलिए मैं तो इसे मोइन कहूंगी। क्यों अबू? हाँ यो ठीक है।
मोइन। मोइन। सोफिया मोइन। हाँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा ये बता, तुझे घूमना अच्छा लगे? घूमना अच्छा तो ठीक है, मैं तुझे रोज आना घुमाऊंगी, तुझे सब कुछ दिखाऊंगी। देखो वो नदी है और ये पेड़ है। नदी पेड़। हाँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाय अल्लाह, बेशरम, ये क्या कर रहा है? अब्बू भी तो हाँ करते हैं, मगर तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। चल मैं तुम्हें सिखाती हूँ नमाज कैसे अदा करते हैं। पहले इसे उतारते हैं। अब्बू मुझे भी। हैं? मुझे भी। अच्छा तुझे भी सिखा दूंगा, अभी तो मैं मजमा लगाने जा रहा हूँ, फिर सिखा दूंगा। नहीं अब्बू अभी। अब्बू यो तो आज ही मास्टर बनेगा। अब्बा सिखा दो मैं भी। अच्छा सोफी तू इसे बीन बजाना सिखाना। अब्बू आप। बेटा इसे बहुत अच्छी बीन बजानी आवे, ये तुझे बहुत अच्छी बीन बजानी सिखावेगी। अब मुझे देर हो रही जान दे। सोफी इसे बीन बजानी सिखा देना, मैं जा रहा हूँ। कितना सुकून सा मिले है यहाँ कर, जी करे है बस यहीं बैठी रहूं। रात को भी। पागल तू कब समझेगा। अच्छा चल कुछ काम की बात करते हैं। देख आज से मैं तेरी उस्ताद हूँ और तू मेरा शागिर्द, समझा? उस्ताद का मतलब? मतलब ये कि मैं जैसा करूँ जैसा कहूँ तुझे वैसा ही करना होगा, बहस नहीं करनी होगी, मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है पर मुझे नदी में नहाने के लिए मत कहना। इसे क्या पता, इस नदी ने ही इसे हमें सौंपा है, ये तो इस नदी का एहसान है जो ये बच गया। ए, के होया उस्ताद जी? कुछ नहीं बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। ले अब ऐसे ही इसे तू बजा।
नहीं बेजी, पूरा बुद्धू है। बुद्धू है। ऐसे ऐसे जादू गोरी है कितना प्यारा का दिल, गोरा मुखड़ा काला दिल, दिल में उलझा मेरा दिल, तेरे रूप का जादू गोरी है कितना प्यारा का दिल। तुम ही महबूबा होना, तुम ही महबूबा होना, मेरा दिल अब मेरा कोन्या कोन्या, आंखें भूल गई क्यों सोना, तुझको चैन कहीं अब क्यों ना, आंखें भूल गई क्यों सोना, तुझको चैन कहीं अब क्यों ना, गोरी गोरी हो गया शुरू मुहूर्त, दिल में तेरी मूरत सबसे प्यारी तेरी सूरत, तेरे मेरे प्यार का गोरी हो गया शुरू मुहूर्त। हाथ मुझे दे दो ना अपना, हाथ मुझे दे दो ना, मेरा दिल अब मेरा कोन्या कोन्या, आंखें भूल गई है सोना, मुझको चैन कहीं अब कोन्या, आंखें कर दिया जादू टोना, तने कर दिया जादू टोना, मेरा दिल अब मेरा कोन्या कोन्या, आंखें भूल गई है सोना, मुझको चैन कहीं अब कोन्या, आंखें भूल
देखो उस्ताद, क्या सरेआम इश्क फरमाया जा रहा है। यहाँ बैठकर इश्क लड़ाया जा रहा है, ये भी भूल गई कि तू किसी की अमानत है। हम वहाँ जवानी जला रहे हैं और यहाँ प्यास बुझाई जा रही है। उस्ताद, कसूर इसका नहीं, कसूर तो इस नामुराद का है। पता नहीं कहाँ से आ गया कम्बा। इसे कुछ मत कहना, चले जाओ यहाँ से। कसम काले नाक की, अभी इसे छेड़ा भी नहीं और याद तड़प उठी। मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। तो क्या इस हराम जादे के मुंह लगेगी? अपनी जुबान को संभाल चल्ला। आज देखता हूँ इसको चोट लगेगी, तुझे कितनी तड़प उठती है। रुक जा चल्ला, देख अच्छा नहीं होगा। काले नाक की कसम, अच्छा तुम्हें सोचते नहीं, तेरे लिए इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। क्यों बे, बहुत गर्मी चल रही है, आज ऐसा ठंडा करूंगा कि जिंदगी भर के लिए ठंडा हो जाएगा। छोड़ दो इसे, खुदा के लिए छोड़ दो इसे। कुछ छेड़ रहा था और कोई मेरे ही सामने मेरी होने वाली मंगेतर के गले में हाथ डाल घूमे, ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा। मैं तुझसे निकाह करूंगी, ये तो सपने में भी मत सोचना। देखा ये क्या कह रही है? हाँ ये सही कह रही है, सोफी का निकाह तुमसे कभी नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो अल्लाह मेहर, अपनी छोरी के लिए कबीले के कैदे कर लूं तोड़ दोगे? तो क्या इस शराबी से अपनी बेटी को बांध दूं? ये मत सोचना कि मैं इसका निकाह इससे होने दूंगा, इसको मैं खत्म कर दूंगा। जरा हाथ लगा कर देखना, अब तुम देख रहे हो कासिम? ये कुछ नहीं करेगा, सोफिया का निकाह इससे कर दो। ये तो निकाह नहीं, जबरदस्ती हुई। लड़की, तुम कबीले के कैद कानून की तोहिन कर रही हो। कुछ भी हो, मैं इससे निकाह नहीं करूंगी। या तो अल्लाह मेहर अपनी लड़की का निकाह इसे कर दे, नहीं तो कबीला छोड़ने को तैयार रहे। इतनी जबरदस्ती मत करो कासिम, तुम हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, कल की याद रखना। अब क्या होगा जी? होगा क्या, हमें सोफी का निकाह जल्ला से करना पड़ेगा। नहीं अब्बू, मैं जल्ला से निकाह नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटी,
निकाह तो तुझे करना ही पड़ेगा। क्यों अब्बू, अब हमारे साथ नहीं हो? नहीं बेटी, मैं कबीले के साथ भी तो हूँ। कबीले के कायदे कानून में नहीं तोड़ सकता, और यहाँ रहकर चल्ला से दुश्मनी करके भी तो हम नहीं रह सकते। खड़ी हुई है, देखिए क्या हुआ। ना सोफिया ना मोइनिया, वो कहीं नदी पे घूमने तो ना चले गए? नदी पे जाते तो हमें बता के जाते। हाय अल्लाह, वो कहीं भाग तो नहीं गए दोनों? चुप रह ले, मैं देखूं। मोइन वालिद अब्दुल के साथ सोफिया वालिद अल्लाह मेर का निकाह करार पाया जाता है, क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। सोफिया वालिद अल्लाह मेर का निकाह तुम्हारे साथ करार पाया जाता है, क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अब तुम दोनों निकाह के पाक रिश्ते में बंध चुके हो, ये तुम्हारे शोहर हैं और ये तुम्हारी बेगम, आज से तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। इस्लाम निकाह के बाद ही किसी लड़के और लड़की को एक साथ रहने की इजाज़त देता है, बिना निकाह के साथ रहना नाजायज समझा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करो वो तुम्हारे इस पाक निकाह को कबूल फरमाए, तुम्हें हर बुराई से बचाए, तुम्हारे काम काज में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को नूर से भरे। आमीन सुम्मा आमीन। सोफी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाओगे? तुम बीन बजाना, मैं नाचूंगी, बस दोनों ऐसी ही जिंदगी बसर करेंगे। आज तो उस्ताद की शादी है, खूब जमकर ऐश करेंगे, और शादी के बाद वो पिल्ला भी भाग जाएगा, और नहीं गया तो उसे हम दफना देंगे। कसम काले नाग की, पहले उस नागन को तो कब्जे में कर लूं, फिर इस हरामजादे को भी जहन्नम में पहुंचा दूंगा। जहन्नम तो तुझे मैं पहुंचा के रहूंगा। जबान संभाल के बात कर भुट्टे। बता कमीने, मेरी बेटी और मोइन कहाँ है? अब कौन सी चाल चल रहा है बेटे? उस्ताद, मुझे लगे है इसने अपनी लड़की उस पिल्ले के साथ भगा दी। बंद कर अपनी काली जबान को ना मुराद, मैं तो तुझे यह बताने आया हूँ कि अगर मेरी बेटी और बेटे को कुछ हुआ तो मैं तेरा खून कर दूंगा। अच्छा, हम यहाँ पे खून बहावे और वो कहीं मोज उड़ावे? पतली कमर जब लचक लचक बल खाए,
तेरी पतली कमर जब लचक लचक बल खाए तो छोरा मुड़ मुड़ जाए हाय कि दिल मेरा उड़ उड़ जाए। तेरी काली जुल्फी जब हवा में लहराए बहला खुश हो जा दौलत बरसे आजी दौलत बरसे पांच पांच रुपये सब ल्यावे अपने अपने घर से अपने अपने घर से तेरी चूड़ी खनक के दिल मेरा धड़काए तेरी चूड़ी खनक के दिल मेरा धड़काए कि छोरा मुड़ मुड़ जाए कि दिल मेरा उड़ उड़ जाए। तेरी पतली कमर जब लचक लचक बल खाए कि छोरा मुड़ मुड़ जाए हाय कि दिल मेरा उड़ उड़ जाए इश्क की बीन बजे और तेरे हुस्न का तुम्बा तेरे हुस्न का तुम्बा। अरे कदर दान की कमी नहीं सही हर दिन जुम्मा जुम्मा हर दिन जुम्मा जुम्मा। हाँ तेरी नजर उठे तो बिजली सी गिर जाए तेरी नजर उठे तो बिजली सी गिर जाए कि छोरा मुड़ मुड़ जाए हाय कि दिल मेरा उड़ उड़ जाए। पापा मेरे पापा पापा आप कह गए थे मुझे कभी भी तोड़ कर मत डालना। इसके क्या हुआ? मुझे तो लगे सांप से डर गया। पापा आप कहाँ गए थे? कितना नाल होया तुम्हें? इसे क्या हुआ? यूँ किसका बच्चा है? पता ना किसका, देख कैसे चिपट रहा है। क्या हुआ बेटा, तेरी अम्मा कहाँ है? घर है। हाँ घर है।
अच्छा बेटा अब घर जा, जा तेरी मम्मी बुला रही है। पापा के दादा को चलो ना। ये तो बड़ी अजीब बात हुई भैया, इसकी गलती ना, हमें भी धोखा हो रहा। किस बात का भैया? कुछ बात ना है भाई, तू अपना काम कर, ऐसा कुछ ना। आजा बेटा। की बात है भैया? कुछ ना भैया, तुम अपना काम करो। ओ जा। मुझे दादा, मैं अपने पापा के दादा हूँ ना, दादा वो मेरे पापा है, वो मेरे पापा। हाँ बेटा। बेटा भगवान ही किसका के हो गया बेटा, तेरे पापा मांग गया जहाँ से कोई उल्टा ना था। बेटा कैसे बताऊं तुझे, वहां तक कौन उल्टा आया है जहाँ तेरे पापा गया? के हो गया बेटा तेरा, चुप हो जा, रोवे मत ना। जल्दी तो लो पापा बुलाए। मम्मी मम्मी के हुई अम्मा जी? अरे तन्ने कुछ कही माँ जी थे? माँ जी क्या बात है, कुछ तो बताओ, मेरे तो जी घबरा रहा है। यो के कह रहा? के कह रहा है? ये कह रहा है पापा बाहर बैठे चौतरे पे, भीतर ना रे मेरी गैल। अरे क्या हो गया तेरे? पापा ना रे गल दो तरह पे बैठे हैं। बेटी इसने भीतर ले जाए, इसका नजर हो रही, इसके ले जाकर नजर तार दे इसकी। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगे। गोलू अब तो नहीं आता है, मेरे बिना रुका जा रहा। सही कह रहा, मेरे पे बिना रुका जा रहा। ऐसा जी करे और किस तो कुछ पूछ लू। बुझे के ये जो मारा मोहन होता तो हमें पहचानता ना। ये भी तू सही कहवे, चल अब यहाँ से। राम भी थोड़े मरे बेटी, जीती रहे बनी रहे। अम्मा कुछ लाई है के? बेटी मैं तो तुम्हें देखन आई। अम्मा दूध छाए तो होता होगा? हाँ बेटी दूध छाए तो होगा, पर कोई पीण वाला ही ना है। हमें भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत के बेटी, खूब लियो सब थारा है तो है। अच्छा अम्मा सवेरे आवेंगे। ठीक है बेटी आ जाइयो। माजी तुम बाहर गई थी के? बेटी मेरे बना रहा गया, माँ सुना देख आई सो, बिल्कुल मोहन है, वे ही आंख वे ही नाक, वैसे ही खावे वैसे ही बैठे, पर पिछाणता ही ना।
ए भगवान, मने तो उठा ले, मेरे पे बर्दाश्त ना होती अब। ऐसा मत कहो माँ जी, जब तुम ही ऐसा करोगी तुम्हारा क्या होगा? बेटी हिम्मत ना रही अब दुख देखने की। माँ जी तुम आराम कर लो, चलो भीतर। आराम तो बेटी ऊपर जाकर होगा, बस वो गीत है मनीष। मनीष तो रोता रोता सो गया। वो गलत ना कह रहा बेटी, वो गलत ना कह रहा, पर के कर हमारे तो भाग ही फूटे हैं। चलो आराम कर लो। क्यों होया भाभी, कहाँ जा रही है? कुछ नहीं भाई साहब, वो मैं मनीष को देख रही। मनीष को? मनीष को तो मैं अभी घर छोड़ गया था। हाँ वो मैं समझ गया तू क्यों आई है। चाची ने बताई होगी, दिल तो मारा भी नहीं कहवे, पर के करे ना वो हमें पहचानता। अजीब सा भेष हो रहा है, एक लड़की से भी गैल ले रहा है। भगवान जाने यू मोहन है अब कोई और है। अब कहाँ है? वहीं बैठे है चौतरे पे, आओ दिखाऊं। चलो अरे क्या होया, मजमे वालों को तो लोग ऐसे ही देखे हैं, तू क्यों परेशान हो गया? चल मोहन मेरा बेटा आ गया। मैं तुझे ही कह रही, मैं जानू थी मेरा बेटा मोहन जरूर आएगा, आखिर तू मेरा मोहन है ना। अम्मा मेरा नाम मोहन नहीं मोइन है, और मैं छाए लेने आया हूँ, आपने कल कही थी ना। हाँ बेटा छाए भी मिल जाएगी, तू बाहर क्यों खड़ा है, जब इतर आ जा। काल का बेटी देख मोहन आ गया। बेटी से देखती रहेगी, रोटी ले काल के।
आले बेटा। अम्मा ये रोटी एक पन्नी में रखवा दो, सोफी मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं उसकी गैली खाऊंगा। उसकी निया भी रख देंगे, तुम यही खा लो। छाए ना मिले? छाए भी मिल जाएगी बेटा, तू रोटी खा ले ना डोली मन। तुमने मैं ना पिछानी और ना तुमने मनीष पिछाना। तुम के कह रही हो, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा। मुझे लग रहा मुझे हद तक चलना चाहिए। ठीक है तुम चले जाइयो, पर मेरी थोड़ी सी बात तो सुन लियो। मैं के सुनू, मैं तो इतना जानू कि मेरा नाम मोइन है और सोफी मेरी घरवाली। नहीं, वो जादूगरनी आपकी घरवाली नहीं हो सकती। आपकी घरवाली तो मैं हूँ। याद करो एक बार जब हमारे गांव में नाचने वाले आए हुए थे, तो तुम अपने दोस्तों की गैल में नाच देखने गए थे। मैं भी छत पर बैठी हुई अपनी सहेलियों की गैल नाच देख रही थी। हाँ भर ले, मैं तो हूँ तैयार, थोड़ी काम की शर्म कर ले।
डोरी हाँ ले। मैं तो हूँ तैयार थोड़ी काम की शर्म कर ले। न जाइए नाट में ल्याओ काट बिछा तेरे बस की तो। न जाइए नाट में ल्याओ काट बिछा तेरे बस की तो। तेरे काली हो जाए हाथ अगर कहीं फंस की तो। अरे 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 धक्के मारूं साथ अगर कहीं फंस की तो। अबुकी वाले जाट छोड़ के बाट अजी कहीं फंस की तो। अबुकी वाले जाट छोड़ के बाट अजी कहीं फंस की तो। तेरी काली हो जाए रात अगर कहीं फंस की तो। तेरी काली हो जाए रात अगर कहीं फंस की तो। मैं बुगियाड़ा जाट न छोड़ू बाट फिर भी फंस की तो। मैं बुगियाड़ा जाट न छोड़ू बाट फिर भी फंस की तो। मैं धक्के मारूं साथ अगर कहीं फंस गई तो। मैं धक्के मारूं साथ अगर कहीं फंस गई तो। मैं धक्के मारूं साथ अगर कहीं फंस गई तो। मैं धक्के मारूं साथ अगर कहीं फंस गई तो। मार दिया डड़ा। मुझे ना सुन रहा तू क्या कह रहा। अंधी तो है ही बहरी भी दिखे। एक लग गया तो आँख कान दोनों खुल जाएंगे। मैंने कह रहा था कुछ दिखता ना है। आँख मीच के जड़े फेंक रही है। के हो गया? क्यों रुक के दे रहा है? क्यों रुक के दे रहा हूँ? एक डड़ा लगवा के देख पता लग जाएगा रुक के कैसे दिए जा। मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। मैंने डड़ा कैसे मार दिया इतनी दूर। इतनी भोली ना तू। वो तो तेरी सिकलते दिख रहा है। सांप की मौसी है तू पूरी। के कहा फिर के कहिए। मैं नु कह रहा हूँ डड़ा आंख नाक में लग जाता तो। मैं तो अपने खेत की रखवाली कर रही हूँ। तू तो खमखा मेरे गले पड़ रहा है। अच्छा मैं तेरे गले पड़ रहा हूँ। दिखा ना वहाँ साइकिल पे कितनी जोर तक गिरा हूँ। मैं तो न्यू सोच रही थी कि तन्ने कुछ पड़ा पा गया दिखे जिसकी मारी तू चलती साइकिल पे से नीचे कूद पड़ा। हाँ मुझे कूदने की नहीं खेत ही पाया है। अभी ऊपर आकर धक्का मारूंगा ठीक हो जाएगी। जा तेरे जैसे ठीक करने वाले बहुत देखे हैं। इस चोंच को बंदी कर लेती। ना करती बता के करेगा। कर तो मैं बहुत कुछ दूंगा। चल अपना रास्ता नाप। नापूंगा रास्ता ना और बहुत कुछ नापूंगा। जा आ आ उसकी ईख में तो गांडा तोड़ूंगा। तड़की तो बड़ी बकरी की ढाल मैं कर रही थी। फेरा लिया तू और गंडा भी तोड़ लिया। खेत तेरे बाप का है। जब तन्ने डड़ा मारा था तो सिर तेरे बाप का था।
दिखे बाप तक मत पहुँचिए। अच्छा तू पहुँच सके हम ना, तने डड़ा मारा हमने गांडा तोड़ लिया, हिसाब बराबर, हम चले। अभी तो डड़ा मारा था और फिर गांडा तोड़ा ना, तो ईट मारूंगी सिर में। तू मार के दिखाइए, हाथ तोड़ दूं आपके। बहुत बकवाद कर रहा, बुलाऊं अपने पापा को? बुला ले, मैं तो कह दूंगा इसने ही बुलाया था। मैं तो झूठे, मैंने कब बुलाया तू? तू अपने पापा को बुलाओगी तो मैं क्या कहूंगा, तू बता। भाई कहिए जो बात है ना, तू बुला अपने पापा को, मैं तो कह दूंगा इसने डड़ा मार के बुलाया। मैंने डड़ा मार के कद बुलाया तू? अगर तू डड़ा ना मारती तो मैं तेरे द्वारा क्यों आता, और मैं तेरे दौरान आता तो मैं गांडा क्यों तोड़ता, और मैं गांडा ना तोड़ता तो हमारा झगड़ा क्यों होता, और हमारा झगड़ा ना होता तो तू अपने पापा को ना बुलाती। बोल, हुई सारी बात झगड़े के कारण? हाँ, वो तो है। फिर तू बता मैं क्या कहूँ। चल ठीक है, मैं अपने पापा को ना बुलाने की, पर तू फिर गांडा ना तोड़िए। चल ठीक है, फिर डड़ा मत मार दिए। कितनी बेकूफ है। कितना झूठा आयु, बताओ मैंने कद बुलाया आयु? चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। मोहन है क्या चाचा? अरे पहले तुम मेरे दौरा। हाँ चाचा। पर तुम एक बात बताओ, तुम पूरे दिन इंगे तो होंगे और उंगे तो इंगे, घूमने जाओ तुम काम के कर रहे हो? चाचा आजकल हम नेतागिरी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। नेतागिरी की कैसी ट्रेनिंग? चाचा आजकल हम ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भड़का कर रखे हैं, एक नहीं होने देते। हर काम में दलाली खाने की सोचते। इन सब बातों को देख के चाचा यूं लगा हम नेता बने जाएंगे। मैं तो अकेले उठा गए, मैं बना मत, मैं नेता। चाचा ऐसी नेतागिरी ना करते हो। बताओ भाई ये क्या सोच रहे? तुझे तो दिखे, सुने भी है, तू क्यों ना हटी आगे थे? मैं तो हट जाती, पर तेरे पे ना हैंडल मोड़ा गया, तोड़ दिया मेरा पांव। मोड़ा तो था, पर पहिया फिसल गया। पहिया फिसल गया या तू फिसल गया? कुछ भी मान ले अब तो। अच्छा, ज्यादा जुबान चला है तेरी, बुलाऊं अपने पापा को? अरे बात तो सुन, मिनट से पहले बुलावे पापा को तो। हाँ सुना के सुनावे। रुक का क्यों देरी है, जो होना था हो गया, गलती होगी, चल अभी से उठवाऊं। हाँ मेरे पे खुद तो उठाने जाता है, इसे जरूर उठा लूंगी मैं। कोई बात ना, रोला ना मचावे, इसे मैं उठवा दूंगा। रोला ना मचावे करके तोड़ दिया मेरा पांव। देख मैं भरोटा रख सकूं, तुझे ना बैठाऊं। क्यों, मुझे कौन बैठावेगा? ठीक है मैं बैठा लूंगा, पर पीछे बैठाऊंगा? मैं तो आगे बैठूंगी। ठीक है चल, तेरी चल रही है अब। हाय राम, बाबा जी आगे अब क्या होगा? होता के कुछ ना, तुझे पता ना है, तू तो झूठ बोल देगा, फंसूंगी तो मैं।
जब मैं हूँ तो तू कैसे फंसेगी? तू जल्दी साइकिल रोक पहले। हट, जा मेरा भरोसा दे। पापा जी ने देख लिया तो चाला हो जाना। अरे किया बता गी। उठा। आईडेक्स लेके आऊंगा कल। चुप मर जा, फसवा बेगा। छोरी तो सुथरी, मुझे तो पसंद है। तुम देखो अब तो जी। अरे मैं क्या देखूं, मैं तो देख के आया, मुझे तो पसंद है। जब ही तो बात करके आया हूँ, एक तो अपने लाड ले तो बात कर ले। सुमा रोटी है? अभी बनाऊ, रुक जा। जब तुझे पता मैं आज की रोटी खाऊं तो बना के क्यों ना रखी? रोज रखा बना के, आज देर होगी, देर भी तेरे मारी हुई। मेरी मारी? मैं तो यहाँ था भी ना। तेरे नहीं है, छोरी देख का है तेरे पिताजी। अभी आए, इनकी क्या बात करने लगी। मैं ना करवा रहा ब्याह। मैं बेकू मान ना के, तू इतना तो बढ़िया रिश्ता आया, खानदानी घर है, छोरी भी सोनी है, और हमें क्या चाहिए भाई? अजी यू मान जाएगा तुम इसकी चिंता क्यों करो? ऐसा है, इस पर पहले ही पूछ लिया, इसका कुछ पता ना, कभी एम टाइम पे ना अट जा, भाई पे इज्जत खराब होगी और बेइज्जती छोरी वालों की भी होगी। इसे भी फोटो दिखा दिए, जो कहे तो ठीक है ना, बेटी बाप की है। अजी तुम क्यों गरम हो रहे हो, छोरे छारे तो मना करे ही करे। माँ तो रोटी डाल दो, भूख लग रही। यो फोटो रखा, देखता हो तो देख लेना, हमने तो कर दी। हाँ देख ले और उसे भी दिखा लिए, ये छोरा देख कर आऊं मैं अपनी सोनिया के लिए। घर बहुत बढ़िया है और छोरा भी एक लाई है, सब काम ठीक है। सोनिया देख के कमरे में बिल्ली तो ना पड़ी? कोई ना, मैं हूँ। ए तू क्या ढूंढ रही है? कुछ ना, सुई ढूंढ रही थी। सुई तो पहले कमरे में धरी है। रामा कल मैंने यही देखी थी। Thank you.
सुन तो सही, तुझे कुछ दिखाना था। मेरी रूप गजब का प्यारा, फोटू आ गया बहू का मेरी रूप गजब का प्यारा। खेता बेवा मार गोपिया होश बिगड़ गया सारा, खेता बेवा मार गोपिया होश बिगड़ गया सारा। खड़ी ढाम च होके उसने गला मार दिया तगड़ा, छोटी सी तकरार बनी अब सारी उम्र का झगड़ा। हाँ खड़ी ढाम च होके उसने गला मार दिया तगड़ा, छोटी सी तकरार बनी अब सारी उम्र का झगड़ा। उस दिन लड़ी थी पोरी पे अब एक पे हक से मारा, उस दिन लड़ी थी पोरी पे अब एक पे हक से मारा। खेता पे बा मार को पिया होश बिगड़ गया सारा। साइकिल से मेरी मारी टक्कर होते यूं हर जाई। खेता पे बा मार गोपिया होश बिगड़ गया सारा। देख देख के जीना भरता, मिलने को अब दिल है करता। कैसे उससे नजर मिलेगी सोच सोच के दिल यूं डरता। हाँ देख देख के जीना भरता, मिलने को अब दिल है करता। कैसे उससे नजर मिलेगी सोच सोच के दिल यूं डरता। जल्दी सी तारीख धरा दो, ब्याह बिन नहीं गुजारा।
जल्दी सी तारीख धरा दो, क्या बिन नहीं गुजारा। खेता पे बामार को पिया, होश बिगड़ गया सारा। साइकिल से मेरे मारी चक्कर, बोते यो भर जाए। फोटू आ गया बहु का मेरी, रूप गजब का प्यारा। फोटू आ गया बहु का मेरी, रूप गजब का प्यारा। खेता पे बामार गोपियां, होश बिगड़ गया सारा। 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 साइकिल से मेरे मारी चक्कर, वो से यूं हर जाए। मरवा दिया। अरे तेरे की होया अब? मेरा तो पूछ रहा है क्या होया। ब्रेक तो ऐसे मारते थे साहब, क्या कोई आ गया हो? कोई आया ही तो ना आज। देख तू अपनी साइकिल के पीछे एक प्लेट लगवा ले और उस पर लिखवा पावर ब्रेक। कम से कम देख कर कोई दूर तो रहेगा ना। हाथ दिया ना इंडिकेटर, सीधी थाम दी। अरे चल अब साइकिल खड़ी कर, तुझे जी भर के गांडे चुकाऊं। अरे हमारा चूकता, कोई आ गया तो खमा खमा पिटना पड़ जाएगा। अब किसकी हिम्मत है कोई हमें कुछ कह दे? क्यों भाई, तना खेत का पट्टा लिखवा लिया अपने नाम। अब कुछ भी समझ ले। राम तचूक कोई भगदड़ है के? कोई आ गया तो? कौन आ गया तो? तेरा केक हो गया यहाँ, बहुत चूक लिया गंडे। चल निकल ले यहाँ से अब। तू दो मिनट यहीं रुक, मैं भी आया। कहीं मरवा मत दिए। मोहन कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? देख वो बुड्ढा आ रहा। भाग ले साले।
अब क्यों या? अब भी लगा के डला? अब के तो पूरा तीर लग गया। ए? मैं तो न्यू देखन आया था, अक तू ठीक ढाल भी रखवाली करे एक ना। पता ना लगया है अभी, फेंकू डला? ज्यादा डले ना फेंके कर, रंग काला पड़ जाएगा। तेरे ते तो सुतरा ही रहेगा फिर भी। वो तो खैर फोटो में भी दिख रहा है। तू जावे एक बुलाऊं बाबा जी को? बाबा की के जरूरत है, मैं तो थोड़ी बात करन आया था, मेरे धोरे तो आ। क्यों आऊं? मैं तो नाती, चल अपना काम देख। काम ना, आज तो मैं अपनी जिंदगी देखन आया हूँ। तू जावे एक ना? कतई नहीं। बाबा जी, बाबा जी। जा रहा हूँ, बाबा बाबा को क्यों बुलावे? डर गया, फोटो में तो ऐसा खड़ा है जैसे किसी से डरता ही ना हो। फोटो? अच्छा देख लिया यार, नाटक कर रही है। ट्वेल पे चलो, रोटी खा लो, ठंडी होने लग रही है। पिताजी ने खा ली? हाँ पिताजी ने तो खा ली, बस अब तुम ही रह रहे हो। अरे रोटी तो मैं खा लूँ, न्यार भी तो काटना है। न्यार? न्यार तो मैं काट दूंगी, तुम रोटी खा लो। तू रह नहीं दे दांती वांती, तेरा लग जाएगी। क्यों? मैं इंग्लैंड से आई हूँ, जो मेरे दांती लग जाएगी। किसान की बेटी हूँ, भूल गए? भूला तो ना हूँ, याद तो मेरे और भी बहुत कुछ है। खेता में लहरा वैसे राम कसम प्यारी लागे जिब रोटी लेके आवैसे। गेहूं गन्ना मक्की बाजरा खेता में लहरा वैसे राम कसम प्यारी लागे जिब रोटी लेके आवैसे। मेरे साथ कमावे से तू, मेरे साथ कमावे से तू, मेहनत करे कुढ़ाली। कितनी हाय कितनी ओ कितनी प्यारी लागे सया खेता के महरियाली।
मेरी घरवाली घर की है ट्यूबवेल, खेत में ना पानी का बंटवारा, घर की है ट्यूबवेल, खेत में ना पानी का बंटवारा, आखा नंदी आगी साजन भरा नाज ते घर सारा। भंडारा भरपूर दूर मारी, भंडारा भरपूर दूर मारी, सारी होगी कंगाली। कितनी प्यारी लागे ऐसे आखे जाके माहरियाली, कितनी प्यारी लागे ऐसे आखे जाके माहरियाली। पग पग मेरा साथ निभावे, पग पग मेरा साथ निभावे, तू से मेरी घरवाली। कितनी प्यारी लागे ऐसे आखे जाके माहरियाली, पग पग मेरा साथ निभावे, तू से मेरी घरवाली। कितनी प्यारी लागे ऐसे आखे जाके माहरियाली, पग पग मेरा साथ निभावे, तू से मेरी घरवाली। मोहन मोहन क्या है मोहन? सांप लड़ गया। सांप लड़ गया? चाचा ओ चाचा, ना देखियो ना देखियो, मारा तो नाश हो गया, पता नहीं क्या होगा। ये बात हुई दीनदयाल, गांव जी में तो बर्बाद हो गया, मेरे मोहन के सांप ने काट लिया। ओ नीलू तू नहर पर सबसे पहले दौड़ के ला फटाफट। गिरीश तू डॉक्टर को ला बुला कर फटाफट। अरे जल्दी कुछ करो, अरे कुछ तो करो दीनदयाल, इसे ठाव जल्दी लेकर चलेंगे। अरे सांप मेरे भी तो काट लेता, अब पता नहीं क्या होगा। किसी को तो बुलाओ, क्या होगा मेरे बच्चे का है, किसी की नजर लग गई। नम्रदा तो बहुत देर हो चुकी, मेरे बस की बात नहीं। अरे क्या कह रहा भाई, तुम तो रात दिन सांप में रहो, अरे कुछ तो करो तुम्हें तो पता होगा। नम्रदा ऐसे सांप ने काटा जहरीले ने, आवाज से जो है तो बात निकल चुकी है। और डॉक्टर साहब यूं है ऐसा मत करो डॉक्टर साहब, आप तो भगवान है, मेरे बच्चे को बचा लो।
अम्मा बचाए किसको, अब कुछ हो तो बचाएंगे। नहीं देखो इसकी अंतिम संस्कार की तैयारी करो, इसे नदी में बहा के अंतिम संस्कार कर देते हैं। पापा, मेरा बेटा मनीष कैसा है ऋतु? नहीं, मैं अपने बेटे को छोड़ के अब कभी ला जाऊं, कभी ना जाऊं, कभी ना जाऊं। भगवान का लाख लाख कि तुम मुझ तो आ गए। सोफिया तू? सोफिया सुन तो सही। सोफी सोफी सुन तो सही। अब सुनने के लिए क्या रह गया? मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जब तुम्हारी बीवी बच्चे थे तो तुमने मेरी जिंदगी तबाह क्यों की? खुदा कसम सोफी, मुझे इस बात का जरा भी इल्म ना था। खुदा की झूठी कसम मत खाओ। मेरा यकीन कर सोफी, ईमान से मैं झूठ ना बोल रहा। तेरा यकीन खत्म हो चुका है, तू चला जा। सोफी चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। चलो बेटा मोहन, घर चलो। यूं कहीं नहीं जाएगा, यूं मोहन ना है, यूं मारा मोइन है। नहीं, ये मारा मोइन है। कसम काले नाक की, बुड्ढे तू ये क्यों नहीं बताता कि ये तुझे नदी में मिला था? चुप रह बच्चात, तू क्यों आया है मेरी जल? चला जा। चला जाऊंगा, पर अपनी सोफिया को खेल लेके जाऊंगा। रुक जा जल्ला, वरना आज के बाद तू किसी की कसम नहीं खा सकेगा। चल बेटा मोहन। नहीं, ये मोइन है, हमारे साथ जाएगा। सुन भाई मुल्ला जी, तू इसे अपना कैसे कह रहा? इसने थारे यहाँ जन्म लिया हो या तेरी पाड़ा हो? नंबरदार, तू इसे अपना कैसे कह सके? तुमने तो इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, क्या कोई आज तक आया है उल्टा अंतिम संस्कार के बाद? हमें यूं मरा मिला, हमने इसे नई जिंदगी दी, इसलिए यूं मारा बेटा है। देखो भाई, ऐसे तो फैसला कैसा होएगा? सुन भाई मुल्ला जी, नू तो तुझे पता लग गया कि लड़का मारा है, इसके एक बहू भी है, एक बच्चा भी है, इनका क्या होगा? इसने मेरी लड़की से निकाह करा है, उसका क्या होगा? अल्लाह मेहर समझा करे, थारी बिरादरी में और मिल जाएगा, तुम इसका ब्याह कहीं और कर दियो। निकाह कोई बच्चों का खेल है जो कहीं भी किया जा सके? ये तो रूह का रिश्ता है, मोहन मेरा है और मारे ही गिर जाएगा। नहीं, मोहन कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे हैं, मेरे पास रहेंगे, अपने मनीष के पास। तुम इस लड़की की शादी इस लड़के तक कर दो, थारा भी घर बस जाएगा, हमारा भी घर बस जाएगा। इस कमीने से मैं अपनी लड़की का निकाह कभी नहीं कर सकता। ए, तुझे तो मैं खत्म करके जाऊंगा। देख क्या नंबरदार, तू मेरा बेटा।
लिए मेरे लिए मरने मारने के लिए तैयार है। गोली लू गोलू रोको न। ऐसा मियाँ जी फैसला तो होएगा और यही होगा, लेकिन फैसला कल होएगा। क्या कह रहे हो प्रधान जी? हाँ दीनदयाल, कल तक यह लड़की सोफिया या बहू और मोहन, इन तीनों को अलग अलग रहना होगा, कोई किसी तक नहीं मिलेगा। बता भाई, पहले तू बता के करे करना के मारा बच्चा मारी गैल भेज दो, थारा बड़ा आसान होगा। नु कैसे भेज दे, के बात कर रहा है? दीनदयाल तो चुप रहे। अल्लाह मेर तू बता, रुपए पैसे चाहते हो तो बता, खेत ले ले, और कुछ चाहता तो बता। बस प्रधान जी बस, तुमने आप बात कह के अच्छा नहीं करा। एक सच्चा मुसलमान वो होता है जिसका ईमान मुकम्मल, जिसने अपना ईमान बेच दिया वो कहां का मुसलमान। हमारी कुरान पाक में साफ लिखा है, जिसने अपना ईमान बेच दिया उसने अपना खुदा बेच दिया, वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। और अगर ऐसी बात होती तो आज मैं यहां ना होता। थोड़ा ले लो गोलो मोहन कहां से देख कर ला। कसम काले नाक की, आज इसे खुदा भी ना बचा पाएगा। चाचा मोहन का सांप ना काट लिया। मोहन मोहन क्या हो गया बेटे? मोहन क्या हो गया? मोहन तू घबरा ना मत, मैं यहाँ हूँ, तू भी यहीं पर। हाँ बेटा तू घबरा मत, मैं हूँ। इसे घर ले चलो।
जरा दौड़ के जाओ। हाँ। मेरी बीन और सामान उठा के ला। हाँ, हाँ, जाओ। चंदा, मैं तुझे चाक से मार डालूंगी। अब देखता हूँ सोफी कहाँ जाती है। करेगा। चिंता मत ना करे दीनदयाल, भगवान इतना निर्दयी भी ना है कितने सारे लोगों का सारा छीन ले। अबू इन कैसा है? बेटी, मैंने जहर तो काट दिया। अबू, इसे होश कब तक आ जाएगा? ये तो अल्लाह की मर्जी। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा नंबरदार, उस पर भरोसा रखो। थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाएगा? अभी लाओ गर्म करके। कहाँ खो गई थी? ये तो मैं भी ना जानती। के? कुछ नहीं, एक कपड़ा और चाहिए। अभी लाती। पापा, मेरे पापा, मम्मी पापा को तो रहे। मम्मी पापा को उठो रे, उनको उठाओ ना, पहले पापा को उठाओ। नहीं नहीं, हट जाओ। मनीष, बच्ची पे क्यों गुस्सा करती हो?
इसे क्या पता? तुम न जानती हो कितना शैतान है। नहीं, ये तो बहुत प्यारा है। तुम कौन हो? मम्मी ये कौन है? जी के पास है। उसको वहां क्यों छोड़ाई? इसलिए क्योंकि हम उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? हम अपने आप से सवाल भी नहीं कर सकते और अपने आप को जवाब भी नहीं दे सकते। माँ जी दिन निकल गया। हाँ बेटी, ले चाय पी ले। माँ जी तुम चाय ही से दे दो, इसने कल से कुछ नहीं खाया। मेरी बता रही हूँ, पर तुमने ही कल से कौन सा कुछ खाया है। माँ जी मेरा भी मन ना है। जैसी थारी मर्जी हो, चाय दरी है। होश आ जाना चाहिए था। अबू कह रहे थे तड़के तक होश आ जाएगा। मेरा तो जी घबरा रहा है और अभी तक अबू भी ना आए। मैं तो यहीं हूँ बेटी। देखो ना, अब तक होश क्यों नहीं आया? या मेरे मौला, तुझे क्या मंजूर है? क्या हुआ अल्लाह मेर? अब्बू बताओ ना, क्या बात है? बेटी होश तो इसे अब तक आ जाना चाहिए था। मेरे बेटी को ठीक कर दे भगवान। क्या बात है मुल्ला जी? होश में तो अब तक आ जाना चाहिए था लंबरदार, अब तो अल्लाह ही कोई करिश्मा करे।
भगवान, अगर मोहन मुझसे दूर रहकर ही ठीक रह सकते हैं तो तू बस उन्हें ठीक कर दे। अगर वो ठीक हो गए तो मैं उन्हें सोफिया को सौंप दूंगी। यह मेरे मौला, एक बार मेरे मोइन को होश मिला दे, बस एक बार। अगर उसे होश आ गया तो मैं उसे सोनिया को सौंप दूंगी।
अल्लाह, मेरे मौला, तूने आज मेरी लाज रखी, एक बार फिर तूने अपने बंदों को करिश्मा दिखा दिया। शुक्र है दीनदयाल, तेरे छोरों को होश आ गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद, ते मेरी उजड़ी हुई दुनिया फेर के बसा दी। हे प्रभु, तेरी लाख लाख महिमा अनुक्रम पार। नहीं बेटा नहीं, अभी तुझे एक दो दिन और आराम करना। सोफिया और सोनिया कहाँ हैं? सोफिया तेरे लिए खुदा के दरबार में सजदा कर रही है और सोनिया तेरे लिए मंदिर में पूजा कर रही है। मैं अभी सोफिया को लाता हूँ। उठ मेरी बच्ची, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली। सच अबू। जानती थी अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। सोनिया बहन का है। मम्मी मम्मी उठो मम्मी, पापा उठ गए मम्मी। तुम फूल हो लियो, दूसरी मम्मी भी रो ली है। सोफिया दीदी कहाँ है? वो तो मेरे मोहन को मुझे सौंप कर चली गई। नहीं ये नहीं हो सकता। सोफिया, सोफिया रुक जाओ, सोफिया, सोफिया रुक जाओ, सोफिया रुक जाओ, सोफिया मोहन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंखें खोलो सोफिया, सोफिया आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। नहीं, मैं इस दुनिया में अब कुछ ना देखना चाहती, मैं यहाँ से दूर चली जाना चाहती हूँ। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, आज उसे ही छोड़ दोगी? तुम समझती क्यों नहीं हो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाह रही हो? तुम्हें तुम्हारा मोहन मिल गया, बस अब मुझे जाने दो। जब मुझे मेरा मोहन मिल गया तो तुम्हें भी तो तुम्हारा मोहन मिलना चाहिए। मोहन को तुमने एक नई जिंदगी दी है, मोहन पर अब मेरा नहीं तुम्हारा हक है, तुम्हारा। मोहन पे अब मेरा नहीं तुम्हारा हक है, और तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है, अब मुझे जाने दो। अब अगर किसी को जाना ही है तो वो मैं जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती सोनिया, तुम्हारे बाद मनीष का क्या होगा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उसे संभाल लोगी। बेटे ऐसा हो सकती कि सोनिया को तुम अपनी बहन बना लो? बेटे क्या तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि सोनिया और मोहन उसमें नहीं रह सकते? सोनिया, सोफिया, देखो सोफिया, मोहन तुम्हारे बिना अधूरा है और मैं मोहन के बिना। सोनिया, सोफिया।